सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई, अभी आपका जो क्लास टेंथ का रिजल्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग आप सब में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं और चाहते हैं अपने पेपर की, अपने क्वेश्चन की, अपने आंसर शीट का रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन करवाना, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मेरे मार्क्स इतने कम नहीं आ सकते। तो आज आपका इसी का पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ मैं आपको इस छोटू से सेशन में। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इस सेशन को ज़रूर अटेंड कर रहे हो। चलो, तो लेट्स बिगिन आर सेशन विदाउट वेस्टिंग आर मच मोर टाइम। तो भाई देखो, ये आपकी CBSE की वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है। तो अगर मैं आपका CBSE की वेबसाइट के लिंक पे जाऊं, तो आपको पता है cbse.gov.in पे आप अपने CBSE की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आपको ये मेन वेबसाइट वाला जो कॉलम है ना, इस पे क्लिक करना है। और जब आप इस मेन वेबसाइट पे क्लिक करोगे, तो ये इस तरीके की एक आपकी पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। आपका 13th ऑफ मई को, जिस दिन आपका रिजल्ट भी आया था, उसी दिन ही मार्क्स की और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीवैल्यूएशन, आप क्लास 10th कैसे करवा सकते हो अपने आंसर शीट की, उसकी डिटेल भी गिवन है। तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। इस पेज पे आप आ गए, इस पेज पे आपको फिर यहाँ पे दिखेगा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस, दिख रहा है ये वेरिफिकेशन प्रोसेस। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आपको बस क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आपके मार्क्स की फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक और रीवैल्यूएशन करवाने की। एंड इसकी लास्ट डेट भी है अभी, जो मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट डेट आपकी क्या होने वाली है। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन करोगे, तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन का एक कॉलम दिखेगा, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके एडमिट कार्ड पे गिवन थी, वो बस एंटर करके प्रोसीड कर देना है। इस तरीके से आपकी पूरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो बस क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने CBSE के मेन वेबसाइट पे विजिट करना है। मेन वेबसाइट में आपका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस कॉलम रहेगा, उस पर क्लिक करना। उसी पे क्लिक करके आपकी डिटेल्स लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन होगी, क्लिक करके उस पर जाना और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना। और जो इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पे गिवन है, वही आपको इसमें फिलअप करनी है। कुछ इस तरीके का आपका पेज ओपन होकर के आ रहा था। और फिर आपको ये जो सेकेंड कॉलम है, इस पर क्लिक करके अपने पूरे एप्लीकेशन को, अपनी पूरी एप्लीकेशन को इस तरीके से प्रोसीड अप करना है। और डिटेल्स मेक श्योर करना कि आप गड़बड़ नहीं फिल कर रहे हो, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन मत फिल कर देना। अदरवाइज़ अगर उनके डेटा से आपकी एप्लीकेशन मैच नहीं हुई, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं, ये भी माइंड में रखना। तो बहुत ध्यान से अपनी सारी डिटेल्स जो एडमिट कार्ड पे गिवन है, वो फिल करनी है। तो जो आपको मैंने सर्कुलर दिखाया था कि जिसमें गिवन था कि आप वेरिफिकेशन के लिए और रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, उसी पूरी PDF में आपकी डेट्स गिवन है कि आप कब तक कर सकते हो। 24th में मिडनाइट तक आप अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन कर सकते हो। आंसर बुक जो है आपकी 4 जून से 5 जून तक की ही एप्लीकेशन रहेगी उसकी। एंड रीवैल्यूएशन जो रहेगा 9th जून टू 10th जून, मंडे अप टू मिडनाइट रहेगा। तो ये डेट्स ज़रा याद रखना, इन डेट्स के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना, तभी आपकी रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए आंसर बुक जाएगी और तभी आपके मार्क्स इम्प्रूव हो करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो उन बच्चों के लिए था जो अभी डाउट में है। तो इस तरीके के डाउट आपके आगे फ्यूचर में आपको ना फेस करने पड़े, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, आई एम वेरी कन्फर्म, वेरी श्योर, कि जो PCM लेकर के IIT जाने का सपना देख रहे हैं। तो आपके इसी IIT के सपने को ना, हम वेदांतु हमेशा से ही आपके बारे में सोचते हुए पूरा करने के लिए आ गए हैं। लेकर के आए हैं आपके लिए दृष्टि JEE का बैच, जिसमें आपके मास्टर टीचर्स लाइव आपको पढ़ाने वाले हैं। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे आपके JEE के,
वो डिस्कस होंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको। इवन ये सारे टीचर्स आपके इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली में ही इतना अच्छा रिजल्ट निकाला है इतने सारे स्टूडेंट्स का। बहुत सारे उनमें से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 95% अबव स्कोर किया है अपने जेई के एग्ज़ाम में। 1500 से ज़्यादा बच्चों ने अभी जेई मेन्स का एग्ज़ाम क्लियर किया था इन्हीं टीचर्स के साथ, इसी बैच के साथ। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, दैट इज द KBPC। इस कूपन कोड को यूज करके आपका जो प्राइस है ना वो हो जाएगा 3999 का। एंड लेट मी टेल यू, ये पूरे साल भर का है, मतलब इतने कम में आप पूरे साल भर पढ़ाई करने वाले हो इन सारे फीचर्स के साथ। और अभी तक 300 प्लस स्टूडेंट्स ने ये सीट्स ऑक्यूपाई कर ली हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, टाइम आपके पास कम है क्योंकि इसकी जो बैचेस का डेट है 15th मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी कोई भी क्लास मिस आउट ना हो इसीलिए जल्दी इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे फीचर्स के साथ साथ आपको कुछ और भी मिलने वाला है। कुछ और भी कैसे मिलने वाला है बता देती हूँ। ये सारे मास्टर टीचर्स जो हैं आपके, इन्होंने इंडिया के टॉप रैंक निकाले, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि आपकी रैंक भी निकालेंगे। इतने सारे फीचर्स के साथ आपको एक ऐप का एक्सेस मिलेगा जहाँ पर आप जेई की बुक्स को इसी एक सिंपल से प्राइस में पढ़ सकते हो। 150 प्लस बुक्स होने वाली, भाई एक बुक का प्राइस 1200-1300 से नीचे का नहीं, और अगर आप लोग 2-3 बुक खरीदोगे तो इससे तो ज्यादा ही कॉस्ट हो जानी है, जबकि आपको इसी एक कॉस्ट में पूरे साल भर के लिए वो बुक्स पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो इतना अच्छा मौका प्लीज मत गवाओ। आप लोग रजिस्टर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, यहाँ पे 4999 पूरे साल भर का कोर्स है। और इसमें इसको परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, दैट इज द KBPC। इसके साथ आप लोगे तो ये प्राइस रिड्यूस हो जाएगा और आपको इसका फायदा पूरा साल भर के लिए मिलेगा। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप जरूर से जरूर इस बैच में एनरोल कर लो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए नोटबुक्स भेज रहे हो तो आप समझ सकते हो कि 10th के मार्क्स आपके गड़बड़ हो चुके हैं। आगे आने वाले मार्क्स आपके गड़बड़ ना हो, आपके सपने पूरे हो, तो इस बैच को जरूर से जरूर एनरोल कर देना, ठीक है। चलो तो लेट्स एंड अप दिस सेशन, क्योंकि भाई अब तो हम क्या करने वाले हैं, अब कुछ नहीं करने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने वाले हैं ताकि आपको सारे ही ऐसे अमेजिंग सेशंस के डे टू डे अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, khushbu_bhatia मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड बस जाते जाते क्या करना है आपको, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। जिनके भी लग रहा है मार्क्स कम आए हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं है, वो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए भिजवा रहे हैं अपने नोटबुक। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।